उत्तरायणी मेले में यदि हिमालयन प्रजाति का कुत्ता खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि प्रशासन ने बिना अनुमति के हिमालयन प्रजाति के कुत्ता बेचने पर रोक लगा दी है। नगरपालिका ने कुत्ता बेच रहे ग्रामीणों को साफ इनकार करते हुए उनके द्वारा लाए गए कुत्ते भी जब्त कर लिए हैं। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार ने बताया कि पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी लाइसेंस के बिना पालतू जानवर को बेचना कानूनन अपराध है। साथ ही किसी भी पालतू जानवर को जाति सूचक शब्दों से भी नहीं पुकारा जाएगा। यहां बता दें कि हिमालयी क्षेत्र के इन कुत्तों को खास जाति के नाम से पुकारे जाने का विरोध किया गया था। इस संबंध में जिलाधिकारी ने भी आदेश जारी किए हैं। प्रशासन के इस आदेश के बाद बिना लाइसेंस के कुत्ता बेचने मेले में पहुंचे व्यापारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ये कुत्ते के व्यापारी जो हैं, ये केवल आज ही से नहीं आ रहे हैं, ये जो है आज़ादी से पहले से यहाँ पर दानपुर की एक मंडी हुआ करती थी, तो दानपुर के लोग अपने हस्तकला से निर्मित वस्तुएं यहाँ पर लाते थे और उनकी अपनी मार्केट यहाँ पर होती थी, लगती थी। और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि यहाँ पर जो है जो दानपुर के निवासी आए हैं उनके जो हैं कुत्तों को बेचने के लिए और उनके हस्तकला जो उद्योग जो लाए हैं वो मोस्टे लाए हैं, रिंगाल के बने हुए डलिया लाए हैं, सूप लाए हैं, उनको बेचने के लिए मना कर रहे हैं। और एक छोटे से जगह पर बैठने के लिए कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया जो है उनसे वसूला जा रहा है। एक व्यक्ति के पास कुल मिला करके अगर उसका अगर देखा जाए तो 5,000-2,000 का भी माल नहीं है उसके पास। अब उसने पहले 10,000 रुपया यहाँ देना है और उसके बाद जो है उसने अपनी दुकान लगानी है, और बिके नहीं बिके कोई गारंटी नहीं है उसकी। तो हमारा ये कहने का है कि शासन प्रशासन से भी और नगर पालिका से भी निवेदन है कि आप लोग जो हैं, ये दानपुर क्षेत्र का आंगन है, दानपुर के लोग यहाँ व्यापार के लिए आते हैं, केवल व्यापार के लिए नहीं आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और आपका क्या बोलते हैं खरीदारी के लिए यहाँ आते हैं। अगर उनके साथ दुर्व्यवहार अगर हो गया तो फिर ये जो है दुर्भाग्य की बात होगी हमारे लिए। हमारा आंगन है ये, तो हमारे आंगन में अगर हमको जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी हमें जगह। तो इसलिए दानपुर के जो ये आए हैं, दूर दराज से गरीब लोग आए हैं, ये जो है पूरे वर्ष भर जो है अपने हस्तकला के द्वारा निर्मित करते हैं, सामग्री का निर्माण करते हैं और उस सामग्री को यहाँ बेचते हैं। बेचने के बाद जो है पूरे वर्ष भर अपना खर्चा चलाते हैं। अगर उनसे अगर मनमाना वसूली अगर की जाएगी तो बेचारे तो जितना बेचेंगे माल उसी यहीं का टैक्स और किराया देने में उनका लग जाएगा, क्या ले जाएंगे घर, वो एक मिठाई भी नहीं ले सकते अपने बच्चों के लिए। पता नहीं सर, इस बार ही हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 500 साल पहले से, आज़ादी से कई साल पहले से, जिस समय गरुड़ से नमक दानपुर को ले जाया जाता था, तब से बागेश्वर में दानपुर वालों का व्यापार चलता है। जिस प्रकार जनजाति वालों का एक पड़ाव माना गया है बागेश्वर में, उसी प्रकार शिनोला और बागरीदी के एरिया में जो है दानपुर वालों का पड़ाव माना गया है। आज ही वहाँ का सुधारीकरण, ठीक है, प्रशासन ने सरकार ने किया है, तो वहाँ पर आज हमें अपना हस्तशिल्प यानी अपना जो भी व्यापार छोटा मोटा होता है उसको करने के लिए मना किया जा रहा है। तो इसीलिए हम सभी इसकी स्वीकृति के लिए नगर पालिका से आए हैं। और जहाँ तक है हमें मैं शासन प्रशासन से और यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करता हूँ कि हमें आने वाले भविष्य में हम इसकी अच्छे तरीके से इसकी सारी रूपरेखाएँ तय करके हम यहाँ पर आएंगे। जिस प्रकार हमें अभी लाइसेंस की बात की जा रही है, हम तुरंत ही लाइसेंस नहीं बना सकते, क्योंकि माल हमारा यहाँ पर फील्ड में पहुँच चुका है और माल अस्त व्यस्त है। कुछ सामान तो कुत्ते के पिल्ले तो उठा के नगर पालिका में बंद कर दिए गए हैं। ये किस प्रकार की एक मानसिकता है लोगों की, या किस प्रकार की मानवीयता है, हम ये बहुत असंतोष है और बहुत नाराज़गी है कि मैं यहाँ के शासन प्रशासन से भी ये आग्रह करता हूँ कि गरीब जनता के पेट में लात मत मारिए, वो किसी भी प्रकार से भी अपना रोज़गार को सर्जित कर रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसको विगत वर्षों की तरह स्वीकृति दी जाए वहाँ पर, जिस प्रकार पहले से यहाँ पर व्यापार होते आया है। उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड के लाइसेंस के बिना कुत्ते के पिल्लों को नहीं बेच सकते हो, हमें पता नहीं। और इसके बाद क्या है, और किसी भी कुत्ते के बच्चे को आप किसी जाति सूचक शब्द के नाम से नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, आप वापस ले जाएंगे, आपको 6 महीने की सजा एवं 10,000 रुपए जुर्माना है। और शब्दों का करने पर और पक्का सजा दिलाना, बेचना भी नहीं है सर, नहीं आपको जेल हो जाएगी भाई साहब। शासन का निर्देश है हमारे पास कि जब तक आपके पास पशु कल्याण बोर्ड से क्या नाम करती है, बिना पशु कल्याण बोर्ड के लाइसेंस के इनको जो है कुत्ते के पिल्लों को बेचना एकदम प्रतिबंध है।
सुनिए, मैंने इनसे पूछा कि आपके पास फार्म पशु विक्रय लाइसेंस है? ये बोले हमारे पास कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा निर्देश हमें जो है शासन से मिला होगा कि किसी भी फार्म पशुओं को आप जाति सूचक शब्द के नाम से नहीं बोलेंगे, तो वो भी मैंने इन लोगों को समझा दिया है। मैं इन लोगों से आग्रह करूँगा आप ये फार्म पशुओं को जो है अपने घर वापस ले जाइए, अन्यथा हम न ले जाने की स्थिति में इनका चालान भी काटेंगे और इनके फार्म पशुओं के पिल्लों को जब्त भी कर देंगे। मैं इन लोगों से जो स्वान पशुओं के बच्चों को बेचते हैं, इन लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो शासन द्वारा जारी निर्देश हैं, जैसे कि आप उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड से पहले ये पेट शॉप का लाइसेंस बनवा लीजिए। पेट शॉप का लाइसेंस आपके पास, आप स्वान पशु बेच सकते हैं मगर किसी जाति सूचक शब्द के नाम से नहीं बेच सकते हैं। न इनके पास लाइसेंस है न कुछ है, वैसी दोनों चार चार बच्चों को लेके आ गए। तो मैं इनसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप इनको लेकर के वापस ले जाइए। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।